हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी अभी यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के दोस्तों 20 अगस्त की दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे समाप्त हो गई, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन मुझे मिल पाए दोस्तों, मैं एग्जाम सेंटर के दोस्तों बाहर ही खड़ा हूँ। इसके बाद आपको लाइव वीडियो आने वाला है, बच्चों की रिएक्शन भी देखने को मिलेगी कैसे क्वेश्चन दोस्तों आए। मैं टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन मिल पाए यहाँ पे, जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन जीके और साइंस के सभी क्वेश्चन मिलने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जीके कुछ क्वेश्चन मिले उनको देख लेते हैं। लिखा क्या आप लोग देखिए कि आप लोग कितना कर पाते हैं अगर आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। लिखा है कि देखो, जिनका भी आगे शिफ्ट है वो थोड़ा याद रखिएगा कौन से किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिएगा। देखो महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। लिखा क्या 563 ईसवी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो आप ही लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। तो चलिए बताइए सभी लोग, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। अगला दिया सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा फिरोज शाह तुगलक ने सिराज ए हिंद की नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला दिया फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है, ठीक है। आप लोगों का चारों ऑप्शन को वैसे देख लेना, चारों ऑप्शन भी आपके दिए गए हैं। चलो चलो इसको देख लेते हैं। प्रार्थना समाज के कौन थे आपके, महादेव गोविंद रनारे थे। अगर आप लोगों को ये नहीं आ रहा, चलो आर समाज तो आता होगा, राजा राम मोहन राय। एक मिनट, आर समाज के आपके कौन थे, दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले। तो 2, 1, 3, 4, 21, 34 किस में है, 21 और क्या था, एक मिनट, सत्यशोधक का 21, 4, 3 इसका 3 था ना, तो 21, 4, 3 किस में, 21, 4, 3 केवल एक ही ऑप्शन पे था। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो 29 नंबर का बी ऑप्शन होगा, लॉर्ड रिपन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया है अधिकांश मौसम गतिविधि क्षोभ मंडल में घटित होती है जिसका तापमान। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पे बी, ऊंचाई के साथ घटता है, ठीक है। अगला दिया लंदन में कौन सा जो युग में सुमेलित नहीं है। तो 31 का राइट ऑप्शन बी ऑप्शन बर्लिन राइन हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य में बहती है। तो 32 का यहाँ पे बी नर्मदा राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है। तो इसका बी ऑप्शन बेल दिला से होती है। अगला दिया निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का बी पार्ट, शांत घाटी केरल में जो स्थित है। अगला दिया गया है यहाँ पे आपको मैथ के भी क्वेश्चन दिखाने वाले, बस पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस डेट की जारी कर सकता है। तो 35 का राइट ऑप्शन होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला दिया कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बने रह सकता है। तो 36 का राइट ऑप्शन होगा 6 महीने तक। अगला दिया गया है वर्ष 1995 ईस्वी में आरंभ की गई मिड डे मील, 1995 ईस्वी में मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी। तो किसके द्वारा प्रबंध वित्तीय व्यवस्था की गई थी। तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए चार ऑप्शन डी ऑप्शन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत क्या था। तो 38 का यहाँ पे कीन्स ने किया था। अगला देखते हैं पादप कोश का भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। तो 39 का राइट ऑप्शन होगा आपका सेलुलोज, राइट ऑप्शन है सेलुलोज। अब दोस्तों यहाँ पे रजनी के क्वेश्चन दिखा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दे रहे, जो मैथ के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं, ठीक है, टाइम टेकिंग आ रहे हैं। दूसरी बात करते हैं साइंस क्वेश्चन घुमावदार आ रहे हैं, तो आपको साइंस जहाँ से भी जितने मिल पाए पढ़ लीजिएगा। और रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों टॉपिक बेस्ड आ रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे कि पहला प्रश्न दिया वृत्त प्रदीप वर्ग का क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप होगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से आपको, ये तो अल्फाबेट से क्वेश्चन आ रहे थे, सीरीज से, अल्फाबेट सीरीज से, तो ये तो सभी लोग कर लेंगे, इसका डी ऑप्शन है, ठीक है। चलो अगला देख लेते, जैसे कि 26 में होता है जेड और डब्ल्यू, ये आपका 23 में होता, 3 कमी हो गई, और ये 13 में होता, 10 में जे होता, जैसे स्टार्टिंग एक ऑप्शन बात खत्म। अगला देखते हैं निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्यक चुनना, 24, 60, 120 का क्या होगा। तो तीसरे नंबर का काफ़ी लोग गलत किए थे इसको भी, बिल्कुल सिंपल था दोस्तों। इसमें क्या करना था देखो, तो इसमें दोस्तों ऐसे कर सकते हो, तो आप लोग देखो, आप लोगों को चाहे जो भी लाओ जी को, राइट ऑप्शन आपका सी होना चाहिए केवल, ठीक है। देखो कैसे होगा, 24 × 5/2 करा था, तो आप लोग 12×5=60 समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे करना था, 120 × 120 लिखा, उसका 5/2 से भाग दे रहे थे, तो 60×6=30, 300। तो ऐसे करना था, आप लोगों ने इस पर चाहे जैसे किया हो दोस्तों। इस चैनल पे अब ये कि एग्जाम सेंटर से अगला वीडियो लाइव आने वाला है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी के शिफ्ट कराई जाती है। तो सभी लोग वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।